नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और टेक्निकल में। फिर से दोस्तों काफ़ी अच्छी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करा गया है, यानी कि IBPS की तरफ से रिक्रूटमेंट है ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट के लिए। सभी भारतीय आवेदन कर सकते हैं, इवन हर एक स्टेट के लिए अलग से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए जो है आप ज़रूर इसके लिए आवेदन कीजिएगा। कौन कौन कर सकता है, कैसे आवेदन करना है, सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में दूंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की तरफ से। तो ये RRBs जो हैं, ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक की डिटेल है और ये स्टेट्स की डिटेल है। लगभग हर स्टेट में आपको रिक्रूटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगी और अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। क्राइटेरिया मतलब यानी कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ज़्यादातर में लोकल लैंग्वेज हिंदी है, बाकी अगर आप जो है वो महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। ऐसे ही लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों एज की। तो एज जो है आपकी 1/6/2019 तक जो है, अगर आप ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 21 से 40 साल, और अगर बात करें स्केल 2 के लिए तो 21 से 32 साल, 18 से 30 साल अगर स्केल 1 के लिए, और अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 18 से लेकर 28 साल तक एज क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको मिलेगी, जैसा कि पहले मिलती आई है। बात करें दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ज़्यादातर जॉब्स में जो है वो बैचलर डिग्री जो है वो मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वर्किंग नॉलेज चाहिए कंप्यूटर की। अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली दो पोस्ट के लिए, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बाकियों के लिए 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, तो आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन ये पहले वाली दो जॉब्स के लिए आप जो है बिना जो है वो टेंशन लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की। तो स्टार्टिंग डेट जो है वो 18/6/2019 तक है, यानी कि अभी तक लिंक जनरेट नहीं हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन 18 तारीख से ही आवेदन कर पाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 4/7/2019 तक दोस्तों आपको आवेदन करना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फीस और 600 रुपये की जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए रखी गई है। बाकी बात करें दोस्तों कि जो है आपका एग्जाम का जो है वो क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हर एक स्केल हर एक पोस्ट के लिए अलग एग्जाम का क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह सब्जेक्ट्स आएंगे। उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो भी आप रीड कर लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी क्योंकि ये बैंकिंग का एग्जाम है। सो दोस्तों अभी तक लिंक जनरेट नहीं हुआ अप्लाई ऑनलाइन का, तो आप नोटिफिकेशन को रीड करिए। 18 तारीख से जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे क्लिक करिए और इसके लिए आवेदन कीजिए। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है 50% पास के साथ तो अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।